मंगलवार को पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायत सेक्रेटरी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा मुरादाबाद डीपीआरओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और एक मांग पत्र भी पंचायत राज अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी संघ द्वारा डीपीआरओ को डोंगल भी सौंप दिए गए। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति मुरादाबाद के बैनर तले जिला पंचायत राज अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। साथ ही समस्त पंचायत सचिवों ने अपने डोंगल भी जिला पंचायत राज अधिकारी को सुपुर्द करते हुए कहा कि वित्तीय मामलों में हमारी टेंडर कोटेशन इत्यादि के संबंध में कोई ट्रेनिंग नहीं कराई गई है और हमसे जबरदस्ती पेमेंट कराए जा रहे हैं। जब तक वित्तीय मामलों की भली भांति ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी तब तक हम आरण वितरण नहीं करेंगे। ग्राम पंचायतों में लगने वाले वाटर कूलर व अन्य स्ट्रीट लाइट इत्यादि की कीमत कम है जबकि क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एमपी निधि से लगने वाले वाटर कूलर मशीन की कीमत ज्यादा है। फिर भी जांच केवल ग्राम पंचायतों की करवाई जा रही है जिससे सामाजिक हानि उठानी पड़ रही है। जनमानस में हमारे प्रति एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है जिससे समाज में सभी पंचायत सचिवों पंचायत सदस्यों को समाज में नेगेटिव नजर से देखा जा रहा है। जिलाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि हम सब पंचायत सेक्रेटरी वही कार्य करते हैं जिस कार्य के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाता है लेकिन हमारे ऊपर जांच नाम की तलवार लटकाकर हमारे मनोबल को तोड़ा जा रहा है। पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को पेश कर रहे पंचायत सेक्रेटरी संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह से जब इस बाबत बात की गई तो मनोज कुमार सिंह द्वारा बताया गया। देखिए आज निरीक्षण कोई नहीं था, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के बैनर तले हमारी कुछ समस्याएं हैं उनको लेकर के जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय से मिले। विषय ये था पिछले 2-3 महीने से प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनपद में कुछ आए हुए नवागत अधिकारियों द्वारा हम लोगों की मानसिक प्रताड़ना की हदें पार कर दी गई हैं। कार्यालय के पत्र जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते वो प्रिंट मीडिया तक पहले पहुंचे हैं और उस प्रिंट मीडिया ने आधारहीन खबरों के माध्यम से जिनका कोई साक्ष्य नहीं था और उन साक्ष्यों के अभाव में हम लोगों को बदनाम करके रख दिया। हमने सर से मांग ये की है अगर वास्तव में कहीं कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम आपकी कार्रवाई में आपके साथ हैं किंतु एक भी किसी के साथ किसी एक भी साथी के साथ अगर वो दोषी नहीं है तो कार्रवाई हुई तो हम यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आज हमने सभी डोंगल अपने जिस धनराशि को लेकर के हम लोगों पर आरोप लगे हैं और वो हमने सारे डोंगल जिससे शासकीय धनराशि निकाली जाती है वो हमने जमा कर दिए हैं, चाहे पंचायत भवन हो चाहे सामुदायिक शौचालय हो। आज से हमारा कोई भी साथी जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा, प्रिंट मीडिया में खबरें छपनी बंद नहीं हो जाएंगी, तब तक हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। जो जनता के कार्य हैं जनता को परेशानी ना हो वो सारे कार्य होंगे लेकिन शासकीय कार्य हम लोग कोई नहीं करेंगे। वहीं पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी द्वारा बताया गया कि आज उनके पास पंचायत सेक्रेटरी ग्राम पंचायत अधिकारी पहुंचे हैं और अपनी समस्या का एक ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। देखिए ग्राम पंचायत सचिव उनके संगठन के सब लोग आए थे तो कुछ समस्याएं हैं बिंदुवार समस्याएं उन्होंने हमें सबमिट करी है तो इस पे जो है जो भी नियमानुसार शीघ्रता से हम लोग कार्रवाई। कुल मिलाकर ग्राम पंचायतों में विकास की गति को बढ़ाया जाना था लेकिन विकास को लेकर की जा रही इस नूरा कश्ती में नुकसान सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में कराए जाने वाले विकास कार्यों का ही हो रहा है जबकि समाज में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि हर तरफ चहुर्मुखी विकास कराए जा रहे हैं लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो विकास नाम की चिड़िया अभी भी ग्राम पंचायतों में देखने को तरस रही है।